अगर आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो संचेत हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न की एक रिसर्च बताती है कि हैंड सैनिटाइजर आपको गंभीर बीमारी दे सकते हैं। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से बेहतर होगा कि आप किसी साबुन से हाथ धो लें या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें। रिसर्च में यह पता चला है कि सैनिटाइजर खराब बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले सैनिटाइजर में ऐसे कई हानिकारक केमिकल होते हैं जो आपको गंभीर रोग दे सकते हैं। सैनिटाइजर में करीब 60% अल्कोहल होता है जो हानिकारक कीटाणुओं को पूरी तरह से मारने में सक्षम नहीं होता। जिन हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल कम होता है उसमें ट्राइक्लोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ट्राइक्लोसिन एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। इसका लगातार इस्तेमाल सही नहीं होता क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स को आपके प्रति निष्प्रभावी बना देता है। यानी ट्राइक्लोसिन आपको खांसी या जुकाम जैसी समस्याएं, मौसमी बीमारियों के लिए ज़्यादा असुरक्षित बना देता है। वहीं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर सिंपल बैक्टीरिया को सुपर बग में बदल देता है। हैंड सैनिटाइजर का लंबे समय तक प्रयोग करने से आपकी स्किन रफ और ड्राई हो जाती है। इतना ही नहीं, इसके चलते त्वचा संबंधी कई बीमारियां भी शुरू हो जाती है। बिस्फेनॉल एक प्रकार का रसायन है जो कैंसर का भी कारण बन सकता है। रिसर्च के मुताबिक हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के तुरंत बाद बिस्फेनॉल युक्त किसी चीज को छूने से उसके शरीर में घुसने की संभावना पूरी होती है। यह कैंसर का कारण भी बन सकती है, इसलिए आप साबुन का इस्तेमाल करें, नहीं तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम 90% अल्कोहल हो। ऐसे ही देश की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे आज शाम प्लस।